Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmad Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज का हमारा ये दूसरा सेशन that is ETA, MDCAT, G, NEET से related हमारा टॉपिक है that is evaporation. स्टूडेंट आज इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है, वो वीडियो क्लोराइड ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट पे है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, उसमें कुछ ट्रिक्स टेक्निक डिस्कस की हैं, टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके पहले से भी देखिएगा, चूँकि उसमें ईटा के हवाले से, नीट के हवाले से, एमडीकैट के हवाले से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो एवोपरेशन में सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं कि एवोपरेशन क्या होती है। स्टूडेंट, ऐसा फिनोमेना जिसमें एक लिक्विड स्पॉन्टेनियसली वेपर में कन्वर्ट हो ऑल टेम्परेचर पे, उस फिनोमेना को एवोपरेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर स्पॉन्टेनियसली विदाउट हीटिंग एट ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड एवोपरेशन। स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं जी। अब स्टूडेंट, लिक्विड मॉलिक्यूल हमारे पास कंटेनर के अंदर होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं। इस रैंडम मोशन की वजह से वो आपस में और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। इस कोलिजन की वजह से कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है। जिन लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं। सरफेस वाले लिक्विड मॉलिक्यूल को कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होती है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो लिक्विड होते हैं वो कम अट्रैक्ट होते हैं बाय अदर नेबरिंग मॉलिक्यूल। उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वैनिश करके एयर में एस्केप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड वाटर, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब स्टूडेंट, टेम्परेचर का तअल्लुक लिक्विड के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ है। याद रखना, टेम्परेचर लिक्विड मॉलिक्यूल की तादाद पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर डिपेंड करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिक्विड है जिसके मेरे पास 6 मॉलिक्यूल हैं। 3 की काइनेटिक एनर्जी 8 है, 3 की काइनेटिक एनर्जी 6 है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ पे कितनी हुई स्टूडेंट? 7 हुई। अब इसमें से 2 मॉलिक्यूल मैं निकाल देता हूँ, एक 8 काइनेटिक एनर्जी वाला और एक 6 काइनेटिक एनर्जी वाला। मेरे पास 4 मॉलिक्यूल रह चुके हैं। 4 में से 2 की काइनेटिक एनर्जी 8 है, 2 की 6 है, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी स्टूडेंट? 7 होगी। इन दोनों लिक्विड का टेम्परेचर सेम होगा। चूंकि लिक्विड का टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, ना के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। इसी तरह स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 4 मॉलिक्यूल हैं, 2 की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 8 और 2 की काइनेटिक एनर्जी 8 और 2 की 6, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 7 है। यहाँ पे मेरे 2 मॉलिक्यूल हैं, एक की काइनेटिक एनर्जी 8, दूसरे की 6, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 7, तो इन चारों कंटेनर का टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट? सेम होगा। अब स्टूडेंट, अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास 9 डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के 9 मॉलिक्यूल हैं विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। 3 की काइनेटिक एनर्जी 4 है, 3 की 5 है, 3 की 6 है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 5। अब इस कंटेनर में लिक्विड मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। एवोपरेशन में होता क्या है? एवोपरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एस्केप हो जाते हैं, पीछे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रह जाते हैं। जब लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल रहते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर कम हो जाता है। जब लिक्विड का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर कम होने से है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, इस तरह सेंस ऑफ कूलिंग फील हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये मेरे पास लिक्विड था, अगर इसमें से मैं 3 मॉलिक्यूल 8 काइनेटिक एनर्जी वाले निकाल दूं, पीछे मेरे पास 3 मॉलिक्यूल रह गए 6 काइनेटिक एनर्जी वाले। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले 7 थी, अब 6 हो गई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, टेम्परेचर कम होगा। अब ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सराउंडिंग, इस तरह क्या होगी? कूलिंग कूलिंग होगी। अब स्टूडेंट बात करते हैं सम फैक्ट्स अबाउट द इवेपोरेशन। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईटा में एमसीक्यूज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इवेपोरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इवेपोरेशन। हमारे पास एमसीक्यूज आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद इवेपोरेशन। तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहला फैक्ट कि इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना। इवेपोरेशन नेचुरल फिनोमेना है, ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, इसको अक्कर होने के लिए किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। सेकेंडली स्टूडेंट, इवेपोरेशन इज कंटिन्यूस फिनोमेना, इट अक्कर एट ऑल टेम्परेचर। बहुत दफा इस पर ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इवेपोरेशन अक्कर एट 0 सेंटीग्रेड, 50 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, ऑल ऑफ दीज। तो इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हुआ करता है। नेक्स्ट वन, इवेपोरेशन इज ओनली सरफेस फिनोमेना। याद रखिएगा इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, बल्क ऑफ लिक्विड में इंटीरियर मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं होंगे, सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ना कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। फिर स्टूडेंट हमारे पास इवेपोरेशन से कूलिंग काज होती है। याद रखना इवेपोरेशन से कूलिंग काज होती है। इवेपोरेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली, इवेपोरेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ओनली। फिर स्टूडेंट इवेपोरेशन लिक्विड की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। याद रखना नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, लेकिन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये आपका एमसीक्यूज होता है। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट प्लीज। हर स्टूडेंट पे ये लाजम है कि वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे। स्टूडेंट ये सारी एफर्ट मैं आपके लिए करता हूं। बाज दिनों में मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ कि सेशन रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं सेशन रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे इस चैनल को प्रमोट करें, चूँकि इससे इनकम आना शुरू हो चुकी है, और इसकी जो इनकम होगी वो उसका 50% केमिस्ट्री सुपर किंग फाउंडेशन को जाएगा, जिससे हम पूर्व स्टूडेंट की हेल्प करेंगे। तो इसलिए इसको जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस पर जो कंटेंट आएगा वो पाकिस्तान लेवल का नहीं होगा, वो वर्ल्ड बेस्ट कंटेंट होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट कंटेंट होगा, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि एक वीडियो अपलोड करने तक मैं कितने प्रोसेस से गुजरता हूँ, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं मुझे, कौन कौन से स्टेप करने पड़ते हैं, कैसे सेशन रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर कैसे इसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, कैसे अपलोडिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसको जहाँ तक हो सके इसको आगे शेयर करें दोस्तों के साथ, चूंकि ऑथेंटिक मटेरियल होगा ये, इसलिए ये सदका जारिया होगा मेरे और आपके लिए। तो स्टूडेंट बात करता हूं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। स्टूडेंट इस पे एमसीक्यूज आता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देयर आर सर्टेन फैक्टर जिनसे इवेपोरेशन कम या ज्यादा हो सकती है। स्टूडेंट डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इवेपोरेशन, which of the following is not directly related with evaporation, which of the following is inversely related with evaporation, which of the following when increase evaporation will increase, like these। ये सारे MCQs किस आते हैं, फैक्टर्स आते हैं। मैंने आपको MCQs याद नहीं कराने, उसकी टेक्निक समझानी है, उसका फलसफा समझाना है, उसके कॉन्सेप्ट समझाने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। याद रखिएगा इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, सरफेस एरिया ज्यादा होने से इवेपोरेशन स्टूडेंट क्या होती है, ज्यादा होती है जी। कौन सा रिलेशन बना, डायरेक्ट रिलेशन बना जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने से इवेपोरेशन कम होगी। कौन सा रिलेशन बना स्टूडेंट, मेरे पास इनवर्स रिलेशन बना जी। स्टूडेंट मेरे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। टेम्परेचर ज्यादा होने से इवेपोरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टूडेंट याद रखिएगा एक्सटर्नल प्रेशर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्टूडेंट याद रखना जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, उनमें अट्रैक्शन होती है, उनकी एस्केपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन स्टूडेंट क्या होगी, कम होगी जी। स्टूडेंट ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ वेपर, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से रेट ऑपरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से रेट ऑपरेशन कम होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो फैक्टर है दैट इज स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड ज़्यादा होने से रेट ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा होगी। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन कितने फैक्टर के साथ बना? अगर हम देखते हैं डायरेक्ट रिलेशन 3 फैक्टर के साथ बना। कौन से 3 फैक्टर के साथ? सरफेस एरिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन बना, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना, स्पीड ऑफ विंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना। अब आपका एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ऑपरेशन। ऑप्शन 1 सरफेस एरिया, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, ऑल ऑफ दीज। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। इसी तरह स्टूडेंट कहते हैं ऑपरेशन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फॉलोइंग। ऑपरेशन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फॉलोइंग। ऑपरेशन डिक्रीज होगी किसके इंक्रीज होने से? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, एक्सटर्नल प्रेशर, नन ऑफ दीज। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन होगा एक्सटर्नल प्रेशर, मेरा ऑप्शन होगा एक्सटर्नल प्रेशर। फिर स्टूडेंट आपका इनडायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। इनडायरेक्ट एमसीक्यूज कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट एमसीक्यूज आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ऑपरेशन। पहला ऑप्शन मेरे पास होता है वाटर, दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है मीथानॉल, स्टूडेंट तीसरा ऑप्शन मेरे पास होता है ईथर। कहते हैं किस में ऑपरेशन ज्यादा होती है? चौथा ऑप्शन होता है ऑल हैव इक्वल, ऑल हैव इक्वल ऑपरेशन रेट। किस में ऑपरेशन ज्यादा होगी? अब ये इनडायरेक्ट दे दिया, आपने क्या फाइंड करना है? यहां से आपने फाइंड करना है कि किसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं। तो स्टूडेंट वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मिथानॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, गो के वाटर से कम होगी क्योंकि वाटर मिथानॉल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट को कम करेगा। तो याद रखिएगा हमारे पास ईथर के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो रेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? रेट ऑफ ऑपरेशन स्टूडेंट ज्यादा होगा। तो इनमें किस में रेट ऑफ ऑपरेशन मैक्सिमम है? किस में रेट ऑफ ऑपरेशन मैक्सिमम है? दैट इज ईथर। किस में रेट ऑफ ऑपरेशन मिनिमम है? अब वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मीथानॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज्यादा है। तो मिनिमम जो रेट ऑफ ऑपरेशन होगी स्टूडेंट वो वाटर की होगी। अगर मैं ऑर्डर पर बात करूंगा, सबसे कम वाटर की, फिर मीथानॉल की, और फिर सबसे ज्यादा रेट ऑफ ऑपरेशन ईथर की होगी। इसी तरह स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम, इफ ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम रेट ऑफ ऑपरेशन विल बी मैक्सिमम एट। ऑप्शन 1 कराची, पहला ऑप्शन हमें दिया जाता है कराची, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है अब्बोटाबाद, तीसरा ऑप्शन दिया जाता है K2। कहते अगर बाकी सारे फैक्टर सेम हो तो रेट ऑफ ऑपरेशन कहां पे ज्यादा होगी? बाकी सारे फैक्टर सेम रखें तो रेट ऑफ ऑपरेशन का तल्लक एल्टीट्यूड के साथ होगा। एल्टीट्यूड का तल्लक एक्सटर्नल प्रेशर के साथ होता है। जितना एल्टीट्यूड होगा उतना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होगी। अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे जाएं तो रेट ऑफ ऑपरेशन उधर ज्यादा होगी जिधर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर कम हो। एक्सटर्नल प्रेशर उधर कम होगा जिधर एल्टीट्यूड कम हो, सॉरी एल्टीट्यूड ज्यादा हो। तो हमारे पास एल्टीट्यूड कहां पर ज्यादा है? K2 पे ज्यादा है। तो K2 की हाइट सबसे ज्यादा है, सी लेवल से सबसे हाइट पे K2 आता है, तो वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर सबसे कम है। एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से रेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगी स्टूडेंट? ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना ईटा MDCAT नीट जी के लिए ऑपरेशन से एमसीक्यूज आया करता है और वो सिंपल एमसीक्यूज होता है और आप नहीं कर सकते, इसलिए इस टॉपिक को अच्छा देखने की कोशिश करना। स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन दैट इज ऑपरेशन एंड उसके साथ रिलेटेड टेक्निकलिटीज, ट्रिक्स एंड एमसीक्यूज। नेक्स्ट टाइम जो सेशन आएगा दैट विल बी अबाउट वेपर प्रेशर, इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसका इंतजार कीजिएगा। घरों में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।